हेलो फ्रेंड्स, मैं फरीदा, आप देख रहे समाचार खबरें हिंदी टीवी न्यूज। सेंट्रल गवर्नमेंट सीरीज में आज आपका स्वागत है। आज आपके लिए लाए हम नया योजना जिसका नाम है बेरोजगारी भत्ता योजना। बेरोजगारी भत्ता योजना राज्य सरकार का मुख्य उद्देश्य है कि प्रदेश के शिक्षित युवा साथी जो आर्थिक रूप से कमज़ोर है, उनके पास कोई भी रोजगार का माध्यम नहीं है, उनको अब राज्य सरकार 5,000 रुपये की आर्थिक सहायता राशि प्रदान की जाएगी। उन योजनाओं के अंतर्गत राज्य सरकार प्रदेश के युवाओं को तब तक आर्थिक सहायता प्रदान करेगी जब तक उनको कोई भी रोजगार की प्राप्ति नहीं होती है। इस योजना का लाभ खासकर परिवार के युवाओं को दिया जाएगा, जो युवा साथी आर्थिक रूप से कमज़ोर परिवार से है, जिनकी वार्षिक आय 2.50 लाख से कम है और उनके परिवार का कोई भी सदस्य सरकारी विभाग में नौकरी नहीं करता है, उनका महाराष्ट्र सरकार बेरोजगारी भत्ता प्रदान करेगी। इस योजना के लिए राज्य सरकार ने अप्रैल 2020 में राज्य के शिक्षित युवाओं को बेरोजगारी भत्ता योजना प्रदान करने के लिए 102 करोड़ रुपए का बजट तैयार किया है, जिसका संपूर्ण लाभ केवल महाराष्ट्र राज्य के शिक्षित बेरोजगार युवाओं को दिया जाने की घोषणा अब राज्य सरकार ने की है। महाराष्ट्र बेरोजगारी भत्ता योजना से होने वाले लाभ क्या क्या है? महाराष्ट्र सरकार द्वारा शुरू की गई इस बेरोजगारी भत्ता योजना का लाभ केवल इस राज्य के साथी स्थायी निवासों को ही दिया जाएगा। प्रदेश के शैक्षणिक योग्यता प्रति युवाओं को हर महीने 5,000 रुपये का आर्थिक बेरोजगारी भत्ता प्रदान किया जाएगा। इस योजना से प्रदेश के आर्थिक रूप से कमजोर जो युवा साथी हैं, जो गरीब रेखा से नीची जीवन को व्यतीत करते हैं, उनको अपनी शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए बेरोजगारी भत्ता प्रदान किया जाएगा। बेरोजगारी भत्ता स्कीम का लाभ राज्य के 21 से लेकर 35 वर्ष के बीच के युवाओं को शामिल किया जाएगा। इस योजना से प्रदेश के युवाओं को नौकरी रोजगारी की प्राप्ति करवाने के लिए आर्थिक धन राशि की जरूरत होती है। महाराष्ट्र बेरोजगारी भत्ता योजना का लाभ राज्य के उन परिवार के बच्चों को प्रदान किया जाएगा जिनके की वार्षिक आय 3 लाख से कम है, उनको योजना के अंतर्गत शामिल किया जाएगा। बेरोजगारी भत्ता प्राप्त करने के लिए युवाओं साथी कम से कम BA, BCom, BAC होना जरूरी है, क्योंकि बेरोजगारी भत्ता ग्रेजुएशन लेवल के युवाओं को प्रदान किया जाता है और आवेदन के पास कम से कम 10th, 12th, BA, BCom, BAC, BAMC अधिक ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए। महाराष्ट्र बेरोजगारी भत्ता योजना, महाराष्ट्र राज्य का कोई भी शिक्षित युवा साथी इस बेरोजगारी भत्ता योजना का लाभ लेना चाहता है तो वह ऑनलाइन अप्लाई कर सकता है ऑफिशियल वेबसाइट पर। केंद्र सरकार और राज्य सरकार के द्वारा जितने भी स्कीमें लॉन्च होती है उसके बारे में हम आपको पूरी जानकारी दे रहे हैं। इससे पहले भी हमारे और भी वीडियोस में और भी योजना के बारे में हमने आपको बताया और आगे चल के हम और योजना के बारे में आपको बताएंगे। बहुत सारी सरकार के द्वारा योजना लागू हुई है जिसके बारे में आपको जानकारी नहीं है। इसकी इसलिए जानकारी नहीं है क्योंकि आप आम आदमी तक ये जानकारी जल्दी पहुंचती नहीं है। देश के सभी नागरिकों का सरकार के द्वारा जितनी भी योजना लागू हुई है उस पर हक है। आपको किसी भी योजना में अगर मदद चाहिए या आपको किसी भी योजना का लाभ उठाना है तो आप हमारे वीडियो को देखिए, उसके और समझिए उस योजना के बारे में और उसका लाभ आप बिल्कुल उठा सकते हैं। और अगर आपको किसी नई योजना के बारे में जानना है, कोई भी नई योजना सरकार के द्वारा लागू हुई हो और आपको इसकी जानकारी नहीं है तो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, हम आपको उसकी पूरी जानकारी देंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना ना भूलिए और अगर अच्छा लगे तो शेयर और लाइक ज़रूर करिए। थैंक यू।